हर साल होती है परचम कुशाई, ये हमारा सिंबल है, ये आगाज है, ये पता देता है सब लोगों को कि आओ मोमिनो, मुहर्रम शुरू हो रहा है, हमारे इमाम का वो दिन शुरू हो रहा है जिस दिन से उसकी मुसीबतें शुरू हुई। अगर हम बात करेंगे, आपने ऑलरेडी बायकॉट किया है मीटिंग्स का, तो इस हवाले से आप क्या फरमा रहे हैं, क्यों बायकॉट हुआ है? बायकॉट अब तो उसका कोई मकसद ही नहीं रहा। मसला ये था, शायद पिछली दफ़ा भी मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका, मुहर्रम से पहले एक महीने अगर इंतज़ाम होते तो बात कुछ और होती। ये ऐसी ही बात हुई कि अभी दुल्हा आ रहा है, अभी दुल्हा लाइन तैयार नहीं, और बाराती आ गए तो खाना तैयार नहीं। ये कैसे मुमकिन है? दो दिन में कौन सी चिड़ी है कि दो दिन में आप वो सब कुछ करेंगे जो हमें चाहिए था? तो हमने फैसला लिया कि जो कुछ करना है हम खुद करेंगे। एक जाहिर, एक हुसैन, इमाम हुसैन का मानने वाला जहाँ अपनी जान की बाजी भी लगा सकता है, जान भी नजराना दे सकता है, उसके सामने 1,000-10,000 क्या मायने रखता है? हमने जो करना था वो किया। अब लाख हुकूमत डंडोरा पीटे के हमने ये किया वो किया, वो जीरो बराबर है। मुहर्रम से हमें क्या पैगाम मिलता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। मुहर्रम से पैगाम मिलता है अख़वत का, मज़लूमियत का, हक का, और जो इमाम आली मुकाम ने साबित करके दिया, 72 साथियों को लेकर मैदान कर्बला में साबित करके दे दिया, जब हक की बात हो, माने नहीं रखता है कितने लोग हैं, हजारों हो, लाखों हो, लेकिन हक की आवाज़ देखिए, आज 1400 साल बाद भी हम आज भी हुसैन को याद करते हैं और यजीद को मलामत करते हैं, क्योंकि यजीद ने जुल्म किया। इस्लाम और कुरान को मिटाने के लिए हमारे इमाम ने दोनों चीज़ों को ज़िंदा रखा। शुक्रिया।